गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में अपन ने बात की थी बड़ा कौन से रक्त समूह की, एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप के पश्चात दूसरा ब्लड ग्रुप आता है बड़ा आरएच ब्लड ग्रुप। लैंडस्टीनर व विनर नामक वैज्ञानिक ने आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले ए व बी प्रतिजन के अलावा एक दूसरे प्रतिजन की और खोज की, जो कहां पाया था बेटा, आरबीसी की सरफेस पर पाया है। लैंडस्टीनर व विनर नामक साइंटिस्ट ने आरबीसी सरफेस पर पाए जाने वाले ए व बी प्रतिजन के अलावा आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एक अन्य प्रतिजन की खोज की। उस प्रतिजन की खोज सबसे पहले कौन से बंदर में हुई थी बेटा, रिसस नामक बंदर में की थी। इसलिए उस प्रतिजन का नाम ही क्या रख दिया बेटा, आरएच प्रतिजन। और आरएच प्रतिजन के आधार पर जो ब्लड ग्रुप बना गया, उस ब्लड ग्रुप का फिर नाम ही क्या रख दिया बेटा, आरएच ब्लड ग्रुप। क्या नाम रख दिया बेटा, आरएच ब्लड ग्रुप। अब आरएच ब्लड ग्रुप के आरएच प्रतिजन के आधार पर ब्लड ग्रुप को बेटा पुनः दो भागों में विभाजित कर दिया। पुनः कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में। एक आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और दूसरा हो गया बेटा आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अब जिन व्यक्तियों की आरबीसी की सरफेस पर आरएच प्रतिजन पाया है उनके ब्लड ग्रुप को तो कह दिया बेटा आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और जिन व्यक्तियों के आरबीसी की सरफेस पर आरएच प्रतिजन नहीं पाया है उन्हें कह दिया बेटा आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप। भारत के अंदर 93% लोग कैसे होते हैं, आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले, और केवल 7% लोग ही कैसे हैं बेटा, आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले। अब वर्तमान समय में जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है, जांच की जाती है, उसमें एबीओ ब्लड ग्रुप के साथ साथ बेटा किसकी जांच की जाती है, आरएच ब्लड ग्रुप की भी क्या की जाती है, जांच की जाती है। जैसे अपन लिखते हैं किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है बेटा, ए पॉजिटिव है। इसका अर्थ क्या हुआ, उस व्यक्ति की आरबीसी की सरफेस पर ए प्रतिजन भी पाता है और इसके साथ साथ बड़ा क्या पाता है, आरएच प्रतिजन भी पाया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है बड़ा, ए बी नेगेटिव है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, उस व्यक्ति की आरबीसी की सरफेस पर ए प्रतिजन भी पाता है, बी प्रतिजन भी पाता है, लेकिन साथ में नेगेटिव है, इसका मतलब है आरएच प्रतिजन नहीं पाता है। तो इसलिए अपन ने वर्तमान में जो ब्लड ग्रुप अपन बोलते हैं कि फलाने व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव हो सकता है, फलाने ग्रुप का व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है या बी क्या हो सकता है बेटा, नेगेटिव है, या फलाने व्यक्ति का ए बी पॉजिटिव है या ए बी नेगेटिव है, या ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है। यहां ए ए ए या बी या ए बी या ओ तो किसको दिखा रहे हैं, ए और बी प्रतिजन को, प्लस या माइनस किसको दिखा रहे हैं बेटा, आरएच प्रतिजन को दर्शा रहे हैं। अब अपन ने कहा कि लैंडस्टीनर व विनर ने रिसस नामक बंदर में ए बी प्रतिजन के अलावा आरबीसी की सरफेस पर पाए जाने वाले अन्य प्रतिजन की खोज की और उस प्रतिजन का नाम ही रख दिया बेटा आरएच प्रतिजन, और आरएच प्रतिजन के आधार पर ब्लड ग्रुप को दो प्रकार बना दिए, आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप। पॉजिटिव का मतलब हो गया जिनकी आरबीसी की सरफेस पर क्या पाई जाती है, आरएच प्रतिजन पाया जाता है, वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो गया,
और जिनकी सरफेस पर आरएच प्रतिजन नहीं पाता है वो हो गया बेटा नेगेटिव ब्लड ग्रुप। क्या हो गया? नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अब दूसरा सबसे खास पॉइंट आपको नोट करना है, नोट करने वाला क्या है बेटा कि जब प्राकृतिक रूप से आरएच प्रतिजन के विरुद्ध किसी भी एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता है, प्राकृतिक रूप से कभी भी आरएच एंटीजन के विरुद्ध किसका निर्माण नहीं होता है, आरएच एंटीबॉडी का या एंटी आरएच एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता है। लेकिन यदि कोई बार बार आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप बार बार किसके संपर्क में आ रहा है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के संपर्क में आ रहा है या आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के क्या आता है बेटा संपर्क में आता है, तो जो आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर आरएच प्रतिजन के विरुद्ध एंटी आरएच एंटीबॉडी का क्या हो जाता है बेटा निर्माण हो जाता है। इस घटना को कहते हैं आइसो इम्यूनाइजेशन। मतलब क्या कह रहे हैं, प्राकृतिक रूप से आरएच प्रतिजन के विरुद्ध कोई एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता है। इसका मतलब जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या बेटा आरएच पॉजिटिव है उसके ब्लड प्लाज्मा में आरएच एंटीजन के विरुद्ध कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती है। लेकिन यदि आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और उसके संपर्क में कौन सा ब्लड ग्रुप आ रहा है बेटा आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आ रहा है, तो आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप की जो प्लाज्मा है ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर आरएच के विरुद्ध किसका निर्माण हो जाता है बेटा एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। इस घटना को कहते हैं आइसो इम्यूनाइजेशन। क्या कहते हैं? आइसो इम्यूनाइजेशन। अब ये आइसो इम्यूनाइजेशन कई बार मानव के लिए खतरनाक रूप धारण कर सकती है। जैसे कोई महिला है बेटा जिसका ब्लड ग्रुप क्या है आरएच नेगेटिव है, अब ये महिला क्या करती है बेटा प्रथम गर्भधारण करती है और गर्भधारण में जो शिशु है वो कैसा हो बेटा आरएच पॉजिटिव वाला हो, कैसा हो बेटा आरएच पॉजिटिव। कोई महिला है जिसका ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है वो प्रथम गर्भ धारण करती है और गर्भ में पलने वाला जो शिशु है वो कैसा हो बेटा आरएच पॉजिटिव हो। अब इस प्रथम शिशु का क्या होगा बेटा प्रसव से पहले विकसित हो रहे शिशु को पोषण प्रदान करने का कार्य आप सबको पता बेटा कौन करता है प्लेसेंटा करता है अपरा करता है। प्लेसेंटा का अर्थ क्या है? प्लेसेंटा का अर्थ है बेटा महिला के यूट्रस या गर्भाशय के उत्तक और विकसित हो रहे के शिशु के जो उत्तक है उनमें क्या होना इंटरडिजिटेशन होना अंगुली निकट होना। क्या कहा अपने प्लेसेंटा क्या है बेटा विकसित हो रहे शिशु के उत्तक और किसके उस मदर के टिश्यूज में के बीच क्या होना इंटरडिजिटेशन होना
अंगुली निकट होना, अंगुली निकट का अर्थ है बेटा ये टिश्यूज किसके हैं, भ्रूण के, ये टिश्यूज किसके हैं, मदर के, यूट्रस के, इनका आपस में यू जुड़ जाना क्या कहलाता है, अंगुली निकट होना। विकसित हो रहे भ्रूण और मदर के टिश्यूज के बीच अंगुली निकट होने से या इंटर डिजिटेशन होने से जो सेतु बनता है उस सेतु को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। अपन आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। अब ये प्लेसेंटा विकसित हो रहे शिशु क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। अब प्रथम शिशु का जब क्या होता है, प्रसव होता है, तो ये प्लेसेंटा क्या हो जाती है बेटा, टूटती है, और टूटने के कारण या उखड़ने के कारण शिशु का ब्लड या प्रथम शिशु का जो ब्लड है वो ब्लड किस में चला जाता है बेटा, मदर के ब्लड में चला जाता है। मदर के किस में चला जाता है बेटा, ब्लड में। किसका ब्लड गया है, प्रथम शिशु का ब्लड। प्रसव के समय प्लेसेंटा उखड़ने के कारण शिशु का ब्लड किस में चला जाता है बेटा, मदर के ब्लड में चला जाता है। इसका मतलब मदर के ब्लड में क्या पहुंच गया बेटा, क्या पहुंच गया, आरएच प्रतिजन। अब ये आरएच प्रतिजन, इसका मतलब आरएच पॉजिटिव ब्लड किसके संपर्क में आ गया, आरएच नेगेटिव ब्लड के क्या आ गया, संपर्क में आ गया। इसके कारण आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली जो मदर है उसके अंदर किसके कारण बेटा, आइसो इम्यूनाइजेशन के कारण मदर के ब्लड में आरएच प्रतिजन के अगेंस्ट क्या बन जाते हैं बेटा, एंटी आरएच एंटीबॉडी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। किसके अंदर, प्रथम शिशु का ब्लड किस में गया है, प्लेसेंटा के, प्रसव के समय प्लेसेंटा द्वारा किस में चला गया, मदर के ब्लड में। मदर का ब्लड कैसा है, आरएच नेगेटिव, और उसमें क्या पहुंच गया बेटा, आरएच प्रतिजन। आरएच प्रतिजन किसके संपर्क में आ गए, आरएच नेगेटिव ब्लड के संपर्क में आ गए, तो उसके कारण मदर आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले मदर के अंदर आइसो इम्यूनाइजेशन द्वारा क्या बन जाता है बेटा, एंटीबॉडी का क्या हो जाता है, निर्माण। अब ये एंटीबॉडी इतनी कम मात्रा में बनते हैं कि प्रथम शिशु को किसी प्रकार का लॉस नहीं पहुंचाते, लेकिन उस मदर के ब्लड में क्या बन गया बेटा, एंटी आरएच एंटीबॉडी का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब ये महिला दूसरी बार क्या धारण करती है बेटा, गर्भ धारण करती है, और गर्भ धारण करने से जो शिशु बना वो भी मान लो कैसा बना, यदि आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला दूसरा शिशु भी कैसा हो, आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला। अब विकसित हो रहे शिशु को पोषण प्रदान करेगा कौन, मदर का ब्लड किसके थ्रू, नई जो प्लेसेंटा बनेगी दूसरे शिशु के लिए प्लेसेंटा बनेगी उसके थ्रू, तो उस प्लेसेंटा के द्वारा विकसित हो रहे शिशु के अंदर क्या पहुंच गए बेटा, एंटी आरएच एंटीबॉडी पहुंच गए। अब शिशु के दूसरे शिशु के ब्लड में प्रतिजन भी हो गए बेटा, और साथ में क्या बन गई, एंटी बॉडी भी बन गई। अब समान प्रतिजन व समान एंटीबॉडी बनने के कारण उस शिशु के अंदर दूसरे शिशु के अंदर क्या हो जाता है बेटा, रक्त समूहन की घटना हो जाती है। अब रक्त समूहन की घटना होने के कारण या तो दूसरे शिशु का समय से पहले ही क्या हो जाता है, प्रसव हो जाता है, या उस शिशु के अंदर रक्तालपता की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। रक्तालपता का मतलब बेटा रक्त की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ऐसे रोग को तो अपन कहते हैं इरिथ्रो
ब्लास्टोसिस, फिटेलिस। अब देखो नाम में ही सब कुछ है, कौन सी सेल में रक्त समूह होता है सदैव? आरबीसी में। आरबीसी को अपन एक तो हिंदी में कहते हैं रक्ताणु, और एक दूसरा नाम क्या दिया था बड़ा? इरिथ्रोसाइट। और वहीं से शब्द निकाले बड़ा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। और फिटेलिस का मतलब फिटल, फिटल का मतलब क्या होता है बेटा? गर्भ या शिशु, विकसित और डेवलपिंग बेबी। तो ये हो गया बेटा इरिथ्रोब्लास्टोसिस से फिटेलिस। ऐसे रोग को तो अपन कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, और ऐसे शिशु को क्या कहते हैं? रिसस शिशु कहते हैं। इस रोग से जो ग्रसित शिशु होता है उसे क्या कहते हैं? रिसस शिशु। जिसका या तो अपन कह दिया प्रसव से समय से पहले ही प्रसव हो जाता है, या उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है बेटा? रक्तालपता, अर्थात रक्त की क्या हो जाती है? कमी। या कुछ कंडीशन में इस बेबी की गर्भ के अंदर ही क्या हो जाती है बेटा? डेथ हो जाती है। ऐसे रिसस बेबी को बचाया जा सकता है या तो उस बच्चे के संपूर्ण ब्लड को ही क्या कर दिया जाए बेटा? चेंज कर दिया जाए, यानी कि पूरा रक्त उस शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, और स्वस्थ रक्त या आरएच पॉजिटिव वाले व्यक्ति का रक्त उसमें क्या कर दिया जाए? ट्रांसफर कर दिया। या फिर दूसरा तरीका है, प्रसव से बहत्तर घंटे पूर्व माता को क्या देता है बेटा? एंटी आरएच एंटीबॉडी वाला इनवेनेशन इंजेक्शन दियाता है। वेन के अंदर क्या दिया जाता है बेटा? एंटीबॉडी वाला इंजेक्शन दियाता है, जिसके कारण वो बच्चा बच सकता है। ये दूसरा ब्लड ग्रुप हो गया बेटा, कौन सा? आरएच। पहले आपने सबने सुना है कि जब भी लड़की और लड़के की शादी होती है, सगाई करते हैं, तो अपन क्या मिलाते थे बेटा? कुंडली मिलाते थे। वर्तमान में साइंस वही कुंडली क्या है बेटा? किसका मिलान करती है? वर्तमान में जनरेशन है वो किसका मिलान करती है? ब्लड ग्रुप का निर्धारण करती है। क्योंकि कभी भी आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली महिला है या पुरुष है, तो उसको कभी भी बड़ा आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले के साथ शादी नहीं करना चाहिए, अन्यथा इस प्रकार के रोगों से अपन रोगों से क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। ये आपके पास हो गया बेटा, कौन सा पार्ट है? आरएच ब्लड ग्रुप। कौन सा हो गया? आरएच ब्लड ग्रुप। इसके पश्चात दूसरा पार्ट लेते हैं, अगला पॉइंट, ब्लड क्लॉटिंग या रक्त स्कंदन। ब्लड क्लॉटिंग या रक्त स्कंदन का अर्थ क्या है? रक्त वाहिनियों में क्या बहता है बेटा? रक्त बहता है। रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त का कहां जाना? बाहर आ जाना। यानी जब किसी प्रकार की कोई चोट लगती है तो रक्त वाहिनियों का रक्त कहां जाता है बेटा? बाहर आ जाता है। रक्त वाहिनियों से बाहर आए हुए रक्त के अवयवों का जेल सम्मान संरचना में क्या होना बेटा? रूपांतरण होना क्या कहलाता है? क्लॉट कहलाता है। रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त, चोट लगने पर रक्त वाहिनियों से बाहर आए हुए रक्त के अवयवों का जेल सामान संरचना में या पदार्थ में क्या होना बड़ा? रूपांतरण कहलाता है। और इस जेल जैसी संरचना को क्या कहते हैं? क्लॉट, या हिंदी में कहते हैं बड़ा
थक्का, और थक्का या क्लोट बनने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। रक्त वाहिनियों से बाहर आए हुए रक्त के अवयवों का जेल जैसे जेल सामान संरचना में रूपांतरण होना क्या कहलाता है? क्लोट कहलाता है या थक्का कहलाता है, और थक्का बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है बेटा? ब्लड क्लोटिंग। मारवाड़ी के मायने शब्द के बेटा खून टाणो क्या कहलाता है? ब्लड क्लोटिंग। अब ब्लड क्लोटिंग मानव के लिए क्या है? रक्षात्मक प्रक्रिया है। ब्लड क्लोटिंग मानव के लिए क्या है? रक्षात्मक प्रक्रिया है। क्लोट बनने के कारण या क्लोटिंग के कारण पहला तो लाभ क्या होगा बेटा? रक्त का बहना क्या हो जाएगा बेटा? बंद हो जाएगा। अर्थात ब्लड क्लोटिंग के कारण जो रक्त की स्थिति होती है, कमी होती है, लॉस होता है, वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। दूसरा, अपनी जो त्वचा है ये त्वचा में केराटिन नामक पदार्थ पाया जाता है, और इस पदार्थ के कारण कोई भी जीवाणु त्वचा को पार करके शरीर के अंदर क्या नहीं कर सकता बेटा? प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन चोट लगने वाले स्थान पर केराटिन या स्किन क्या हो जाती है बेटा? टूट जाती है, और टूटने के कारण वहां केराटिन नहीं रहने के कारण उस भाग से या घाव वाले भाग से या इंजरी वाले भाग से रोगाणु क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन उस स्थान पर घाव वाले या चोट वाले स्थान पर क्या बन जाता है? थक्का बन जाता है, और थक्का बनने के कारण जीवाणु शरीर में क्या नहीं कर पाते बेटा? प्रवेश नहीं कर पाते। क्या कहा अपन ने? ब्लड क्लोटिंग एक रक्षात्मक प्रक्रिया है। दो बेनिफिट हो गए। नंबर फर्स्ट, रक्त अगर चोट लगेगी तो उस स्थान से रक्त बहेगा, लेकिन थक्का बनने के कारण क्या नहीं होता बेटा? रक्त की जो स्थिति होती है वो रुक जाती है। दूसरा, अपनी जो स्किन है वो जीवाणुरोधी परत है, क्योंकि इसमें केराटिन पाया जाता है जिसके कारण बैक्टीरिया अपनी त्वचा के संपर्क में आते हैं, लेकिन वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। इसलिए रोगकारक सदैव कभी कहाँ से प्रवेश करता है बेटा? या तो श्वसन तंत्र के द्वारा या पाचन तंत्र के द्वारा शरीर में क्या करता है? एंटर करता है। यही दो मार्ग है। अब दूसरा, जहां चोट लगेगी इसका मतलब वहां से स्किन हटेगी, और हटने के कारण वहां से रोगाणु क्या कर सकते हैं? प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वहां क्या बन जाता है बेटा? थक्का बन जाता है, और यह थक्का भी क्या होता है? जीवाणु रोधी होता है, जिसके कारण क्या नहीं होता बेटा? रोगकारक बॉडी में एंटर नहीं हो पाता। अब अपन ने कहा रक्त वाहिनियों से बाहर आए हुए रक्त का जेल समान पदार्थ में बदलना थक्का कहलाता है, और थक्का बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्त स्कंदन या ब्लड क्लोटिंग कहलाती है। ब्लड क्लोटिंग की प्रक्रिया को लगभग 13 कारक प्रभावित करते हैं। अब अपन ने क्या कहा कि ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस है वो लगभग 13 कारकों द्वारा क्या होती है बेटा? अफेक्टेड होती है या प्रभावित होती है। इन कारकों को दो भागों में क्या किया गया बेटा? विभाजित। नंबर फर्स्ट, प्रेरक स्कंदन कारक, और दूसरा है प्रतिस्कंदक कारक। अब इन कारकों को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक प्रेरक स्कंदन कारक और दूसरा है प्रतिस्कंदक कारक।
वे कारक जो क्लोटिंग के निर्माण को क्या करते हैं बेटा, प्रेरित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रेरक स्कंदन कारक कहते हैं। और दूसरा प्रतिस्कंद कारक कौन से हो गए, वे कारक जो क्लोटिंग के निर्माण को क्या करते हैं बेटा, रोकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिस्कंदक कारक कहते हैं। अब चाहे स्कंदक कारक हो चाहे प्रतिस्कंदक कारक हो, ये सामान्यतः कौन सी अवस्था में पाए थे बेटा, निष्क्रिय अवस्था में। और मोस्टली प्रेरक स्कंदक कारक है वो ब्लड वाहिनी के अंदर किस अवस्था में पाते हैं, निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में पाते हैं, निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। अब पॉइंट लेना है बेटा, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, मैकेनिज्म ऑफ है ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग की पूरी प्रक्रिया है उसको तीन स्टेप में क्या किया गया बेटा, डिवाइड किया गया। पहले स्टेप का नाम है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण। तो सबसे पहले बेटा क्या होगा, चोट लगेगी और चोट लगने से जो रक्त है वो क्या होगा बेटा, बाहर आएगा। बाहर आने का मतलब है वायु के क्या आएगा, संपर्क में आएगा। वायु के संपर्क में आते ही रक्त में पाए जाने वाली जो प्लेटलेट है वो क्या हो जाएगी बेटा, टूट जाएगी। अब प्लेटलेट के ब्रेकडाउन होने से, टूटने से, प्लेटलेट से एक पदार्थ बाहर निकलेगा जिसे कहते हैं बड़ा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बना होता है बड़ा किसका, ग्लाइकोप्रोटीन एंड किसका बेटा, फॉस्फो लिपिड का। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लूकोज प्लस प्रोटीन्स का बना हुआ संयुग्मित प्रोटीन है और फॉस्फोलिपिड भी संयुग्मित प्रकार की वसा है, लिपिड के साथ क्या जुड़ा हुआ बेटा, फॉस्फेट, फॉस्फोर समूह जुड़ा है। अब अपने कहा चोट लगेगी, रक्त बाहर आएगा, बाहर आने से यानी कि बाहर आने का मतलब वायु के संपर्क में, वायु के संपर्क में आते ही प्लेटलेट का ब्रेकडाउन होगा, प्लेटलेट के ब्रेकडाउन होने से प्लेटलेट से क्या स्रावित होगा, एक थ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ स्रावित। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बना है किसका, ग्लाइकोप्रोटीन प्लस है फॉस्फोलिपिड का। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो स्कंदन कारक 10 व स्कंदन कारक 7 को क्या कर देता है बेटा, सक्रिय कर देता है। जो कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, निष्क्रिय अवस्था, रक्त के अंदर के कारक है ये। क्या कहा अपने, चोट लगी, रक्त बाहर आया, प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में आई, प्लेटलेट्स ब्रेकडाउन हो गई, उससे स्रावित हुआ थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या किसको सक्रिय अवस्था में लाता है, स्कंदन, प्रेरक स्कंदन कारक 10 व प्रेरक स्कंदन कारक 7 को कौन सी अवस्था में लाता है बेटा,
सक्रिय अवस्था में, क्योंकि ये कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, जब ब्लड बंद नलिका के अंदर बहता है तो ये कारक कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं बेटा, निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। अब ये स्कंदन कारक किसके साथ मिलकर बेटा, CA प्लस आयन, पिछली बार नीट में ये क्वेश्चन पूछा था ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा आयन भाग लेता है, कैल्शियम आयन। ये आयन सॉरी ये स्कंदन कारक कैल्शियम आयन के साथ मिलकर एक जटिल या कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, उस जटिल या कॉम्प्लेक्स को अपन कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेटर। किसका निर्माण हो गया बेटा, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेटर। एक टेबल के रूप में साथ में चलता हूं मैं, उत्तक से हुआ बेटा, उत्तक अपघटित हुए, प्लेटलेट की क्षति या अपघटन किसका स्राव हुआ, थ्रोम्बो प्लास्टिन, कौन सा पदार्थ स्रावित हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन स्कंदन कारक 10, स्कंदन कारक 7 को क्या कर दिया बेटा, सक्रिय। ये दोनों कारक किसके साथ मिलकर बेटा, CA प्लस आयन के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर या किसका निर्माण करते हैं, सक्रियक। क्या बन गया बेटा आपके पास, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक। अब सेकंड स्टेप का नाम है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में रूपांतरण, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में रूपांतरण। अब ब्लड प्लाज्मा का संगठन पढ़ा था बेटा आपने, और उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है कौन सा, प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन इसकी कौन सी अवस्था है, निष्क्रिय अवस्था। इस निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन अवस्था को प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैल्शियम के साथ मिलकर उसे सक्रिय अवस्था में बदल देता है, और सक्रिय अवस्था का नाम क्या बेटा, थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय किसको बेटा, प्रोथ्रोम्बिन को कौन सी अवस्था है, निष्क्रिय अवस्था। किसमें बदल देता है बेटा, थ्रोम्बिन में। किसमें बदल देता है, थ्रोम्बिन में। ये इसकी कौन सी अवस्था हो गई, सक्रिय अवस्था। तीसरे स्टेप का नाम है फाइब्रिन में रूपांतरण व थक्के का निर्माण। अब यह सक्रिय अवस्था बेटा। अब इसके साथ अपन ने कहा कि ब्लड प्लाज्मा में तीसरा एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जल में घुलित बहुलीकृत प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन क्या है बेटा, जल में घुलित है बहुलीकृत प्रोटीन है, जिसका थ्रोम्बिन जो इसकी सक्रिय अवस्था है, थ्रोम्बिन जल अपघटन करके
एक लख इकाई थ्रोम्बिन में क्या कर देता है बेटा, रूपांतरण कर देता है। कौन? जो आपके पास थ्रोम्बिन बना है, ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन जो जल में घुलनशील और बहुलीकृत प्रोटीन है उसको बड़ा किस में कन्वर्ट कर देता, जल अपघटित कर देता है, उसकी एकलक इकाई थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता। थ्रोम्बिन जल में क्या है बेटा, अघुलनशील है और किसके रूप में पाया है, रेशे के रूप में पाया जाता है। फाइब्रिन क्या है बेटा, जल में अघुलनशील और एक किस प्रकार की संरचना है, रेशेदार संरचना है। थ्रोम्बिन किसको बेटा, फाइब्रिनोजन किस प्रकार की है, घुलनशील संरचना है, को बदल देता है किसकी सहायता से, किसका सहारा लेकर, सी ए प्लस आयन का सहारा लेकर, किस में बदल देता है बेटा, फाइब्रिन जो इसकी क्या है, एकलक इकाई और जल में क्या है, एग्लुनसी। अब ये फाइब्रिन आगे जाकर क्या करता है बेटा, बहुलीकृत होकर या अपनी संख्या में वृद्धि करके जिस स्थान पर चोट लगती है, चोट वाले स्थान पर पहुंचकर क्या बना लेता है बेटा, फाइब्रिन आपस में जुड़कर रेशों की, फाइब्रिन रेशों क्या बन जाता है, जाल बन जाता है। अब इस जाल वाले भाग में रक्ताणु आकर क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। रक्ताणु के फंसने से, वह जाल में रक्ताणु के फंसने से एक कैसी बेटा, जेल जैसी संरचना का क्या हो जाता है बेटा, निर्माण हो जाता है। उस जेल जैसी संरचना को ही क्या कहते हैं, क्लॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लॉट कहते हैं। और ये क्लॉट बाद में क्या हो जाता है बेटा, कठोर होकर उस भाग से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये थक्का बनने की क्या हो गई, प्रोसेस। थैंक्स।